सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने दीपावली 2024 पर चंडीगढ़ शहर की सबसे बेहतरीन सजावट वाली मार्केट्स और पार्किंग प्रबंधन में श्रेष्ठ मार्केट्स की सूची जारी की है। इसमें 5 श्रेष्ठ मार्केटों की एसोसिएशनों को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करने का भी फैसला किया गया है। इसमें बिजनेस प्रमोशन काउंसिल सेक्टर 17, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 35C, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 22B, मोबाइल मार्केट, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 22D, ज्वेलर्स मार्केट, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20C इनर मार्केट का नाम शामिल है। इन मार्केटों का चयन चंडीगढ़ व्यापार मंडल की आईटी सेल के जजों के एक पैनल ने दिवाली से एक दिन पहले शहर की विभिन्न मार्केटों का निरीक्षण कर सजावट और पार्किंग प्रबंधन के आधार पर किया है। इसी पर हमने बात की चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान चरणजीव सिंह और प्रवक्ता व आईटी सेल के चेयरमैन दिवाकर सहुजा से, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार यह क्रांतिकारी कदम पहली बार कैसे उठाया गया। चरणजीव जी, हम जब पिछले 2 महीने की बात करें तो एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है लगभग पिछले 1.5-2 महीने से, और ख़ास तौर पे दिवाली जब आती है तो ये फेस्टिवल का पीक आ जाता है। तो हम व्यापार मंडल का हमेशा ये कोशिश रहती है कि मार्केटों में कस्टमर ज़्यादा आए, स्टेप इन ज़्यादा हो, क्योंकि मॉल्स कल्चर आ गया है, काफ़ी शहरों के बाहर मॉल बन गए हैं। तो हमारा ये सोचना होता है कि हम क्या करें जिससे कि इधर से ज़्यादा लोग, ज़्यादा जो कस्टमर आए मार्केटों में आए। तो ये सोचते हुए हमने 2 इशू टेकअप किए थे। एक तो मार्केट में जब लोग आए, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो पार्किंग की सुविधा उन लोगों को मिले, तो इसके लिए हम SSP ट्रैफिक के पास गए थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ एडिशनल पार्किंग दी जाए, तो उन्होंने हमें 31 स्कूलों की लिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से पास करा के दी, जो कि मार्केटों के साथ स्कूल थे, ताकि लोग वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। दूसरा, हम ये चाहते थे कि मार्केटों को सजाया जाए, डेकोरेट किया जाए, ताकि लोगों को एक अट्रैक्शन बने, लोग मार्केट देखने भी आएँ, और जब मार्केट देखने आएंगे तो वो शॉपिंग भी करेंगे और व्यापारियों का काम भी चलेगा। इसी मुद्दे को सामने रखते हुए हम लोगों ने एक एडवाइजरी इशू की, जिसमें दोनों तरह के इशू थे, कि आप मार्केटों को डेकोरेट करो, और दूसरा कि पार्किंग की सुविधा के लिए सिक्योरिटी गार्ड मार्केटों में लगाओ, एडिशनल पार्किंग का यूज़ करो, अपनी ओर से बंदे लगाओ, ताकि लोगों को जब यहाँ आए उनको सुविधा मिले। तो उस काम में इनक्रेज करने के लिए लोगों को, मार्केट एसोसिएशनों को, हमने अवार्ड अनाउंस किए थे व्यापार मंडल की ओर से, कि जो मार्केटें वेल डेकोरेट, अच्छी डेकोरेट होंगी, उनमें से हम अवार्ड देंगे। तो और ऐसे ही जो पार्किंग के लिए 3 अवार्ड पार्किंग के हिसाब से दिए जाएंगे। तो हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें आईटी सेल ये काम, क्योंकि हम आईटी सेल की ओर कर रहे थे, तो आईटी व्यापार मंडल का आईटी सेल, तो उसके व्यापार मंडल का आईटी सेल में हैं कौन कौन, कोई कमेटी टाइप की? हाँ जी, उसके चेयरमैन तो दिवाकर सहुंजा जी हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं, और उस कमेटी में एक मैं था, एक दिवाकर सहुंजा जी थे, एक अनिल वोरा जी थे और एक संजीव चड्ढा जी। हमने दिवाली के एक दिन पहले सारी मार्केटों का सर्वे किया, और हमने ये पाया, और हमने ये इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई किया था, कि 5 मार्क्स होंगे जो जिनकी लाइटनिंग अच्छी होगी, और एसोसिएशन की तरफ से लाइटनिंग होगी, जो ताकि सारी मार्केट में वो लाइट हो। अपने लेवल पे लोग कराते हैं तो कुछ दुकानें छूट जाती हैं जी। और सेकंडली, जो 5 नंबर उसके थे जिन्होंने कोई फैब्रिक की डेकोरेशन की हो, या फ्लावर की डेकोरेशन की हो, या कोई ऐसा जैसे फेस्टिवल में कार्य वगैरह रखी हैं, ऐसा कुछ और भी किया हो, और इस तरह 5 नंबर उसके थे, 5 इसके थे। तो इसलिए हम जब ये वहाँ गए तो हमें 5 मार्केटें जो सबसे अच्छी लगी, वो हमने अवार्ड देने के लिए आज अनाउंस की हैं, वो मैं आपके यहाँ भी बोल देता हूँ। एक तो है बिजनेस प्रमोशन काउंसिल सेक्टर 17 जी, दूसरी है मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 35C जी, तीसरी है ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 22B मोबाइल मार्केट, जो बस स्टैंड के सामने है जी। चौथी और उसके बाद है मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 22D ज्वेलर मार्केट जी।
मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन 20C। ये हमने ऐसा कुछ नंबर 1, 2, 3 नहीं किया, ये पांचों बेस्ट डेकोरेटेड एक जैसा ही अवार्ड इनको दिया जाएगा। ऐसे ही तीन लोग थे जहां उन्होंने पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए थे, जैसे उन्होंने तीन मार्केट ऐसी थी जिन्होंने वहां पर अपने वॉलंटियर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए थे लोगों को गाइड करने के लिए, और कुछ जो हमारे स्कूल थे सेक्टर 18 डी मार्केट ने वहाँ पर साइन बोर्ड लगाए हुए थे कि यहाँ आप पार्किंग इस साइड पे करो। उन्होंने एक दो वॉलंटियर भी रखे हुए थे जो लोगों को गाइड कर रहे थे कि मार्केट में रश है, आप स्कूल में खड़ा करिए। सो ऐसे तीन मार्केटें हैं जो वो है मार्केट कमेटी सेक्टर 29C, कैपिटल व्यापारी एसोसिएशन सेक्टर 19D और मार्केट डीलर एसोसिएशन सेक्टर 18D। और एक हमने स्पेशल प्राइज निकाल दिया है एक, जो कि बूथ मतलब बूथों में जब जो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड था वो है बूथ मार्केट, जो हाँ सिर्फ बूथ ही हैं, वो है प्रोग्रेसिव शॉपकीपर एसोसिएशन सेक्टर बाई दी बूथ ज्वेलर मार्केट। जी ज्वेलर मार्केट है वहाँ पर, ज़्यादा ज्वेलर ही हैं उसको भी ज्वेलर मार्केट बोलते हैं बूथ में। ऐसे कुल मिला के हमने 9 अवार्ड देने हैं। हमारी आगे मीटिंग होने वाली है चंडीगढ़ व्यापार मंडल की 20 तारीख को। मैंने जो अभी आपको बताया 5 लोगों को हम दे रहे हैं जो बेस्ट डेकोरेटेड मार्केट्स हैं। वैसे तो 70 इस बार लोगों में बड़ी इनकरेजमेंट थी, 70% मार्केट एसोसिएशन ने एसोसिएशन लेवल पे मार्केटों को डेकोरेट किया हुआ था, बाकी 30% में भी अपने लेवल पे लोगों ने किया हुआ था, जैसे आधी दुकानें हो गई आधी छोड़ दी गई, पर 70% ने एसोसिएशन लेवल पे काम किया हुआ था। और इस बार पहले से ज़्यादा डेकोरेट हुई हैं और अब हम आगे उम्मीद करते हैं कि जैसे हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को फील हुआ है कि इस बार कस्टमर भी ज़्यादा है, जब मार्केट देखने लोग आते हैं तो वे शॉपिंग भी करते हैं, तो आगे से हम उम्मीद करते हैं कि 100% ही सब मार्केटों में सजावट हो ताकि हम मॉल कल्चर के मुकाबले द्वारा कस्टमर को इधर रिटर्न कर सकें अपनी मार्केटों की ओर। अब हम बात करेंगे दिवाकर सहुजा जी से जो स्पोक्स पर्सन हैं और कई पोस्ट व्यापार मंडल में होल्ड करते हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि ये सोच कैसे आई। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि ये तो है ही है कि हमारे व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं या व्यापार मंडल, ये तो सोचता ही है कि भी कैसे हम दुकानदारों का बिज़नेस बढ़ाएं। और जब चरणजीव जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेरे से बात की कि भी हमें ट्रैफिक के बारे में हमने एक एडवाइजरी देनी है क्योंकि SSP साहब ने भी कहा है और मार्केटों में वैसे भी डिफ़िकल्टी होती है, तो हम इसकी अपील कैसे बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह को मिला के एक बेस्ट डेकोरेटेड मार्केट्स का भी चयन क्यों ना करें और ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी। तो ये दोनों पक्ष रखते हुए हमने 2 कैटेगरी बना दी। तो आज जैसे प्रधान जी ने अभी बताया ही है, कई सालों से लोग सजावट कर भी रहे हैं लेकिन ये अचानक आप लोगों के मन में ये बात आई कि हम अवार्ड भी दें, ये कैसे हुआ? ऐसे है कि आजकल हमारा जो IT सेल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ हमारा व्यापार मंडल का जी, वो लगा हुआ है वाह चंडीगढ़ एक पोर्टल बनाने में जी, जिसमें हम शहर के सारे व्यापारियों को साथ लेना चाहते हैं। तो अब हमारी सोच में ये ज़्यादा आ गया कि गवर्नमेंट की सब्सिडी या गवर्नमेंट की सपोर्ट को छोड़ते हुए भी हम अपने आप भी कुछ ऐसी एफर्ट्स करें कि हमारे बिज़नेस बढ़े, क्योंकि बिज़नेस बढ़ेंगे तो ही तरक्की होगी। तो उसको देखते हुए दिमाग में आया कि अगर हम ऐसा अवार्ड रखेंगे इससे बहुत हौसला मिलेगा तो व्यापारियों को, और वही हुआ आपको जैसे बताया 70% एसोसिएशंस ने हमारी अपील पे अपनी अपनी मार्केटें सजाई और सब में ये था कि मेरी मार्केट आगे निकल जाए मेरी निकले। और हमने फिर एक पैनल बनाया IT सेल का जिसने पूरा विज़िट किया दिवाली से एक दिन पहले जी। एक एक मार्केट में गए। तो इस तरह से ये आइडिया एक बहुत ही अच्छे व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छा साबित हुआ और ये इसको हम आगे अब बहुत और अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो पैरामीटर्स है वो पहले डिफ़ाइन किया करेंगे, प्राइज मनी रखेंगे शायद, और शायद हम 1, 2, 3 इस तरह से इनाम देंगे। और ये भी जो इनाम आपको बताए गए हैं ये भी हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा गाला फंक्शन किया जाएगा जिसमें शायद हम प्रेस को भी बुलाएं और हो सकता है हम चंडीगढ़ के बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी इन्वाइट करें
और ताकि उनको लगे कि अगर मार्केट में व्यापारियों ने खुद ही मिल के अपनी मेहनत से अपने लगन से व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है तो इनको भी हमें साथ देना चाहिए, साथ तो देना चाहिए। आप लोग, आपने जैसे कहा कि 70% व्यापारियों ने ही अपने स्तर पे किया है सजावट वगैरह, एसोसिएशनों ने, आखिरकार प्रशासन की ओर से वो सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर आप प्रशासन से सपोर्ट लेने जाते हैं, यहाँ तक कि आपको लाइटिंग करनी है तो इसके लिए अगर आप अनुमति लेने जाते हैं या लिखित में कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं, उसका जल्दी से प्रशासन की ओर से जवाब नहीं मिलता, जिसके वजह से सजावट में भी देरी होती है। इस बार हुआ है कई जगह? हाँ, इस बार कई जगह पे जिन्होंने कुछ इनाम रखने थे, जिन्होंने कुछ सेंट्रल एरिया में डेकोरेशन करनी थी, उनको लाइटिंग लेने में की परमिशन लेने में डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई है। लेकिन जैसे ट्रैफिक में हमें SSP जो नए थे, उन्होंने पहले ही बुला के कह दिया कि आप जैसे कहेंगे अब बोलो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। प्रधान जी, ये कैसे होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अड़चने आती है, उस अड़चन को दूर करने के लिए क्या आप लोग इस संदर्भ में एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम जो अवार्ड प्रोग्राम करेंगे तो उसमें बुलाएंगे, ऐसी बातें उठेंगी वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल ये बात करेंगे जी। कई मार्केटों में ये प्रॉब्लम आई है, आगे से ये ना प्रॉब्लम आए इसलिए उनके नोटिस में चीज़ लाएंगे, ताकि जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने के लिए तो परमिशन की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, इसमें कोई किसी का रास्ता नहीं रुकता। मार्केटों को हम सजा रहे हैं दिवाली के माहौल में, दिवाली के रंग में रंग ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा टाइम इसको सजावट में लगा सकें, ना कि दफ्तरों के चक्कर लगाने में लगाना पड़े। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 5 मार्केट को आपने चुना हुआ है सजावट में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये क्यों नहीं, सबको एक ही जैसा क्यों? ये इसलिए कि जो मार्केटिंग एसोसिएशन हैं, वो हम नहीं चाहते थे कि वो कल को ये कहें कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं। अब जैसे हमारा पैरामीटर था कि लाइट को हम इतने पॉइंट देंगे, और अगर जो फैब्रिक या किसी और चीज़ से आपने डेकोरेशन किया है वो सारी मार्केट में हुआ है कि नहीं, तो ये सारे कई कुछ ऐसे पैरामीटर और भी थे जो हमने बाद में छोड़ दिए, तो उसको टाइमली हम नहीं बताए गए थे, पहली बार थी। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार सभी को इनकरेज करें जिन्होंने एटलीस्ट बहुत अच्छा काम किया है। अवार्ड में क्या देंगे, कुछ रकम है उसमें, या कोई शील्ड देंगे या कुछ और देंगे कुछ? ये अवार्ड में एक शील्ड तो ही होगी जो कि मार्केट एसोसिएशन को मिलेगी, जो उनके प्रधान पे या अगर उनका कोई भी ऑफिस है वहाँ रखेंगे। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मार्केट को, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। और एक आपसे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि शायद हम IT सेल की तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि जो भी मार्केटों को अवार्ड मिला है उस मार्केट के मेंबर्स को, आपको जैसे पता होगा कि हमारा पोर्टल आ रहा है वहाँ चंडीगढ़ जी, उसमें एनलिस्टिंग के कुछ पैसे लगते हैं जी, तो वो पैसों में हम उनको कुछ सब्सिडी दें, कोई कम कर दें कि चलो क्योंकि आपकी मार्केट आप उन 5 में से एक है, तो आपके जो मेंबर्स हैं उनको ये एक फ़ायदा हो जाएगा सभी को। ये आपसे हम शेयर कर रहे हैं, शायद हम अभी उसकी वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही हैं। अच्छा, कार्यक्रम को लेकर के अभी प्रधान जी तय हो गया कि कौन सा डेट होगा? 20 तारीख, हमने जनरल बॉडी की मीटिंग 20 तारीख को मिलाने जा रहे हैं, 20 नवंबर को। जगह भी तय हो गई? जगह तो अभी बस कर रहे हैं, एक आध दिन में हो जाएगी, पर 20 तारीख को हम अच्छा गैला फंक्शन करेंगे, उसमें सारी शहर की मार्केट एसोसिएशनों के जो ऑफिस बेरर जो हमारे मेंबर हैं उनको बुलाया जाएगा, और एक कोई चीफ गेस्ट भी किसी को बुलाया जाएगा, ताकि अच्छा एक माहौल बन सके वहाँ पर। नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ सोच लिया होगा अभी से? हाँ। तो ताकि जो अभी भी जो है छोटे छोटे दुकान वाले जो हैं वो भी अपनी ओर से प्रयास करें कि हम भी होड़ में आ जाएं। जैसे आपको प्रधान जी ने बताया कि इस बार हमने एक बूथ मार्केट को भी अवार्ड दिया है, ताकि बूथ मार्केटें भी इससे संदेश लें, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें जहाँ पे भी हम गए हैं जब देखने गए थे, या हमारे जितने मेंबर हैं उनमें इतना एंथुसिएज्म है कि वो कह रहे जी नेक्स्ट टाइम तो हमने ये चीज़ ऐसे करनी है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताना है कि भाई अपनी अपनी मार्केट को कैसे सजाना है और क्या क्या उसमें ज़रूरी है। तो और शायद इनाम भी, आपकी बात सही है, शायद हम कोई अवार्ड मनी रखें या मार्केट के भले के लिए कोई ऐसा कुछ हम उनको डोनेट कर दें। तो
चंडीगढ़ शहर के जितने भी मार्केट के पदाधिकारी हैं, जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, अगले साल से वो तैयार रहें, क्योंकि व्यापार मंडल की ओर से अवार्ड देने की शुरुआत हो चुकी है इस साल से, और हर साल के लिए निश्चित रूप से होगा। और आप भी नंबर वन आएँ और नंबर वन का अवार्ड ले जाएँ, हमें यही उम्मीद है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों से बात करें। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।